खुश हो प्यार और उनका सपोर्ट मुझे मिला। और सबसे बड़ी बात, पिछले 10 सालों में जो मरकजी सरकार बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के ऊपर जो जुल्म ढाए, आप देखिए आज बिजली के जो किराए हैं 105 रुपए से 550 पर पहुंचा दिया, यहां तक कि पानी के ऊपर भी टैक्स लग गया। उसके बाद जो है अपना बाकी जो चीज़ें हैं उन पे भी बहुत सी महंगाई होगी। सिलेंडर 450 से 1100 रुपए सिलेंडर पहुंच चुका, जिस पे मैं समझता हूँ कि मरकज़ की सरकार फेल हो गई उन चीज़ों को कंट्रोल करने के ऊपर, और महंगाई जो है अपने अरूज पे है। और आप देखिए जहाँ सिलेंडर 400 से 1100 पहुंच गया, वहीं मज़दूर की दिहाड़ी जहाँ 2014 में थी वहीं पर उसकी दिहाड़ी जो है वो रुकी हुई है। मैं समझता हूँ कि अगर सिलेंडर 1100 गया तो मज़दूर की दिहाड़ी भी 1100 जानी चाहिए ताकि वो अपने घर का पेट पाल सके। लेकिन इस सरकार में कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जो जम्मू कश्मीर के लोगों के तहत हो। ये जो सरकार दिल्ली केंद्र में बैठी है, ये जम्मू कश्मीर की ज़मीन चाहती है, जम्मू कश्मीर के लोग नहीं चाहती। और ख़ास करके 5 अगस्त 2019 को जो रियासत को डिग्रेड किया गया, स्टेट से यूटी बनाया गया और दफ़ा 370 टूटा, 35 टूटा, पूरे मुल्क में इन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में जो है खुशहाली आ गई। अब जब ये दफ़ा तोड़ा, स्टेट को तोड़ा, तो पूरी रियासत को जेल में कन्वर्ट किया। और जब कोई साल के बाद, कोई 6 महीने बाद, कोई 1.5 साल के बाद लोग जब उस जो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी उससे जब वो बाहर निकले, तो जम्मू कश्मीर के लोगों में ख़ास करके नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बिल्कुल भी ये नहीं कोशिश की कि वो नौजवानों को सड़क पे लेके जाए, क्योंकि अगर सड़क पे ले जाते, कानून के अपने हाथ में लेते, वो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के जमहूरी मुल्क में बड़ी गलत बात है। जैसे कि अब जमहूरी हक एक इंसान का वोट डालना, बीजेपी जो डर रही थी 10 साल के बाद ये इलेक्शन करने जा रही है, आप देखेंगे इस इलेक्शन में बीजेपी को जम्मू कश्मीर की आवाम लखनपुर का रास्ता दिखाएगी, लखनपुर का गेट जो है वहाँ पे दिखाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मैनिफेस्टो है उसको लेके, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो जो है वो आवाम दोस्त मैनिफेस्टो है, वो बहुत लंबा 23 पेजों का मैनिफेस्टो है, मैं यहाँ पे नहीं पढ़ सकता, आपके पास उसकी डिटेल है। ख़ास करके उसमें 2-4 पॉइंट्स वुमेन के लिए जो है, यूथ के लिए उसमें रखा गया है, बच्चों के रोज़गार के लिए वहाँ पर रखा गया हुआ है, और महंगाई के बिजली के लेके महंगाई के लिए रखा गया है कि उसको किस तरीके से कम किया जाएगा, 200 यूनिट फ्री देने की बात की गई है, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं, मैं अभी टाइम की कमी की वजह से नहीं बता सकता। अपोजिशन ने बड़ा आपके इस मैनिफेस्टो में दो इल्ज़ाम लगाया कि 370 खत्म कैसे होगा, ये इसके बारे में आप क्या कहना? देखिए अपोजिशन में समझता कोई नहीं है, यहाँ सारी अपोजिशन बीजेपी है, यहाँ दूसरी तो पार्टी कोई नहीं है, यहाँ जो भी है दूसरी तरफ बीजेपी है, ABC टीम है। तो जो पहले कहते थे हम बीजेपी का पार्ट नहीं है, वो आज बीजेपी का पार्ट। पिछला इलेक्शन जब आया, आप देखिए हैरानगी की बात, आप देखिए बीजेपी को, लोगों को ये समझना पड़ेगा कि पिछला इलेक्शन आया तो अपनी पार्टी की सपोर्ट बीजेपी ने की, आज जब असेंबली इलेक्शन आया तो बीजेपी का अलग कैंडिडेट है और अपनी पार्टी का अपना कैंडिडेट है। तो वो सीधा साफ दिखाता है कि बीजेपी जो है वो डिफरेंट एंगल से ट्राई कर रही है, और कोशिश यही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है वो यहाँ पे ख़त्म किया जाए। जम्मू कश्मीर में मैं आपको बताऊँ, तमाम पार्टीज़ जो थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब लोगों की उम्मीद एक नेशनल कॉन्फ्रेंस पे है, लोगों से अपील करूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप मजबूत करिए ताकि आपकी आवाज़ जो है वो असम्बली के अंदर बोले और आपकी जो ज़रूरत है पूरी हो। ये ना हो कि आप कोई गलती करें तो ये जो बीजेपी डंडा पहले ही चला रही है, फिर ये डबल डंडा यहाँ पर जो है वो चलाएगी। मैनिफेस्टो के हिसाब से आपने शंकराचार्य मंदिर के जो नाम चेंज करने की जो बात है वो कहीं ना कहीं नहीं, मेरे नोटिस में ये नहीं है, ये आप ही ने बात बताई है, मेरे नोटिस में तो नहीं है ऐसी कोई बात, मेरे नोटिस में नहीं है कि भाई कहीं पे कोई नाम चेंज करने की बात की है। नाम चेंज करने की कहीं कोई बात नहीं है, हर एक मज़हब की हम इज्जत करते हैं, जो हिंदू धर्म के टेम्पल्स हैं, श्राइन हैं,
वो हिंदू कम्युनिटी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जो जैसा चाहे वो करे, जो मुस्लिम की है वो मुस्लिम करे, सिख की सिख की करे। यहाँ पे ये बीजेपी का मुद्दा बनाने की आदत है, क्योंकि जब ये ग्राउंड पे फेल हो जाती है तो ये इस किस्म के मुद्दे ढूंढती है, जिसकी सीधी सादी मिसाल ये है कि अयोध्या में जहाँ पे मंदिर इन्होंने बनाया वहाँ इनका वहीं पे बुरा हाल हुआ, वहीं पे इनका कैंडिडेट हारा। तो ये बीजेपी को तरीका आता है कि किस तरीके से लड़ाया जाए। तो मेरी ये लोगों से अपील है कि लड़ना ज़रूरी नहीं है, हमें यूनाइट रहना चाहिए। Ajaz-e-Majan has been nominated as a candidate to be filed a seat in the Legislative Assembly of 89 Poonch Haveli. Please hear in the name of God, affirmate that I will bear the true faith and allegiance to the Constitution of India as by the law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India.